तरीके से परेशान है क्या? आपके दिमाग में भी कॉन्स्टिट्यूशन को बुक्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि आपको जेएन पांडे पढ़नी है या वीएन शुक्ला? सो हेयर आई एम, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। आज मैं यहाँ पर आई हूँ हमारी रेफरेंस बुक सीरीज के साथ, जो कि मैं ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही थी, और जो सब्जेक्ट मैं टेकअप करने वाली हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डीडी बसु के बुक के बारे में। ये दो फॉर्म में आती है, स्टूडेंट वर्जन और कमेंट्री वर्जन। ये स्टूडेंट वर्जन है तो स्टूडेंट्स के लिए ही ऑब्वियसली बहुत ही ब्रीफ है, कंसाइज है, क्विक रिविजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं डीडी बसु के दूसरे वर्जन के साथ, जो कि कमेंट्री फॉर्म में है। ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये कमेंट्री है। दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल फॉर स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस एंड एडवोकेट्स। तो अगर आप इन सारी फील्ड्स में हैं तो यू कैन गो फॉर दिस बुक। नाउ कमिंग टू जे एन पांडे, अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो आपने डेफिनेटली इस बुक के बारे में सुना होगा। सिंपलेस्ट है, बेस्ड बुक है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। केस लॉज एलाबोरेटेड फॉर्म में है, जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। कंपैरेटिवली कंसाइज है, कंटेंट बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, सो यू कैन गो फॉर दिस बुक। नाउ कमिंग टू एमपी जैन। एमपी जैन एक रेफरल बुक है। अगर आपको कोई भी ग्रे एरियाज है, कोई भी डाउट है जो आपको किसी और बुक से समझ में नहीं आया, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेंदी है, तो फॉलो करने के लिए उतनी यूजफुल नहीं है, बट फॉर रेफरेंस दिस इज अ गुड बुक। नाउ कमिंग टू वी एन शुक्ला, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक। ये एक मीडियोकर बुक है, बैलेंस्ड है, ना बहुत ज्यादा कंटेंट है ना बहुत कम है, तो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बुक काफी अच्छी है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस बुक। नाउ कमिंग टू लक्ष्मीकांत। वैसे तो ये बुक बेसिकली सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं और आप कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। केस लॉज इसमें थोड़े से कम दिए हुए हैं, लेकिन ये चीजें आपको मिल जाएंगी, लाइक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि प्रीवियसली मेंशन बुक्स में हो सकता है आपको ना मिले, तो इन दैट केस आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं अदर बुक्स पे। बेसिकली ये बुक्स नहीं है, ये गाइड्स हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर आपने रेफरेंस बुक के थ्रू रेफरेंस ले लिया है और आपको इन एनी अदर केस गाइड की जरूरत है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये रेगा सूर्य राव की है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, काफी लेमैन है। ये ए के जैन की है, ये जे एन पांडे का ही कंसाइज वर्जन है। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जे एन पांडे को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हो, और ये सिंगल्स पब्लिकेशन की है। दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर इट एज वेल। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या आप एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप वहाँ का स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलती है और सारा रिसर्च कंटेंट एक जगह कंसाइज फॉर्म में मिल जाता है। तो थैंक यू, ये था मेरा रेफरेंस बुक कलेक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक के बारे में ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। जितना भी कंटेंट अभी मैंने बोला है, अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।